नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नासिर, तुम अपने जवानों के साथ इस तरफ से मोर्चा संभालो। सर। जसवंत, सर। तुम इस तरफ से। सर। और बहुत शांति के साथ पहाड़ी पर चढ़ना। याद रहे, दुश्मन बहुत चालाक है। डोंट वरी सर, मैं अकेले सब पर भारी पड़ूंगा सर। इंशाल्लाह सालों को भून कर भुर्ता बना देंगे। ऑल द बेस्ट। सब जवान मारे गए। बंदा गया सर, एक एक नो भून के रख देगा सर। हमारे इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आगे बढ़ो, भारत माता की जय। जब जिंदा थे तो दुश्मन थे, अब मर गए तो दुश्मन भी नहीं रहे। कौन दफनाएगा तुम्हें?
कौन मिट्टी देगा? हम दफनाएंगे तुम्हें, हम मिट्टी देंगे। नहीं नहीं बेटा, वतन पे जान देने वाले सिपाही कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। फख्र है मुझे इस पे कि मैं इसकी माँ हूँ, एक शहीद की माँ हूँ। बीजी, कोई गल नहीं पुत्र जी, कोई गल नहीं। जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार चार पुत्र देश और धर्म पर कुर्बान कर दिए थे, वहाँ मैंने तो सिर्फ एक ही बेटे की कुर्बानी दी है। वाह पुत्र जी वाह, आपने तो अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दिया। कैप्टन जसवंत सिंह हमारे, लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे, कैप्टन जसवंत सिंह हमारे, लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे, कैप्टन जसवंत सिंह हमारे, लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे, कैप्टन जसवंत सिंह हमारे। आदाब जनाब। आदाब। बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके भाई जनाब फजल बेग ने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहादत हासिल की। हमें नाज है कि हमारे भाई ने शहादत हासिल की, मगर अफसोस इस बात का है जिस खेत में हमने खौफ और बुजदली की खाक डाली थी, वहां जांबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई। मुझे मेजर राम चाहिए जिंदा। बहुत कोशिशों के बाद भी जसवंत और नासिर का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता है सर। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मेजर राम। आखिर कितने जसवंत सिंह और नासिर खानों को बार बार मरना पड़ेगा सर? कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर सच तो यह है सर कि जब जब पाकिस्तान के नेताओं को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है ना, तो जिहाद का नाटक शुरू कर देते हैं या फिर कश्मीर का मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं। देखिएगा सर, एक दिन पाकिस्तान में भी क्रांति आएगी, वहां की जनता जागेगी, तब वो समझेगी कि हिंदुस्तान एक अच्छा पड़ोसी है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। तब उन लाखों पाकिस्तानियों के हाथ हमारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ेंगे और फिर हम उन्हें अपने गले से लगाकर उनके दिल मोहब्बत से भर देंगे। मेजर राम, काश ऐसा हो। ऐसा होगा सर। चलता हूं सर। जय हिंद। जय हिंद। वाह, क्या खुशबू आ रही है भाभी, ऐसा लगता है जैसे किसी फाइव स्टार होटल के किचन में आ गया हूं। वैसे आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना राम भैया ने आपको पसंद किया है। अच्छा, मैं कहीं यहाँ खाना बनाने के लिए लाई गई हूँ? नहीं भाभी, मैं तो आपके टैलेंट की बात कर रहा था। बहुत भूख लगी है भाभी, खाना दो ना प्लीज। अरे आज तुम अपने भैया का इंतजार नहीं करोगे? ओह सॉरी 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 भाभी सॉरी प्लीज।
ले जाओ इसे। 11 बज गए भाभी, भैया अभी तक नहीं आए। ब्रिगेडियर अंकल के ऑफिस में फोन करके देखो ना। जी। कोई नहीं उठा रहा। मुझे तो, मैं उनके मोबाइल पर ट्राई करती हूँ। हेलो अंकल, मैं निहारिका बोल रही हूँ। हाँ निहारिका बेटे, बोलो क्या बात है। अंकल मुझे राम से बात करनी है। लेकिन राम तो 2 घंटे पहले ही मेरे दफ्तर से जा चुका है। अच्छा, लेकिन वो अभी तक तो यहाँ पहुँचे नहीं है। मैंने उनके मोबाइल पर भी ट्राई किया था, फोन ऑफ है। Oh, I see. Don't worry. मैं पता करके अभी तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ जी अंकल। सर, ड्राइवर की लाश के पास मेजर राम का नाम मिला, इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जिंदा है तो है कहाँ? हमारे जवानों ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन मेजर राम का कहीं पता नहीं चला। सर, मेजर राम का नाम मिलना कहीं किडनैपिंग की तरफ इशारा तो नहीं है? अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। हो सकता है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो या फिर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का। भाभी, भाभी क्या हो आपको? भाभी, मेजर राम के शौक से बेहोश हो गई थी, पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मिसेस राम मां बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर। देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है। तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं कि वो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सके। तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसे तोड़ेंगे और जब ये टूटेगा तो बोलेगा, बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं। नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है, आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है। ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब, हम नहीं, क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी हैं और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है। और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना इंशाल्लाह। किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को? अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं, अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? ब्रिगेडियर साहब, 15 जुलाई तक ये आपका है और उसके बाद राम, कब आओगे राम? Whoa!
वापस करो। आदरणीय भाभी, भले ही हिम्मत के पर्दे के पीछे आपने अपने दर्द को छुपा रखा है, लेकिन हर पल अपने पति की राह तकती एक पत्नी के दुख को मुझसे ना छुपा सके। आज सरहद पार भैया दुश्मन की कैद में न जाने किस हाल में होंगे। क्या ऐसे में मेरा घर पे रहना ठीक होगा? नहीं भाभी, नहीं, मुझे जाना होगा एक मिशन पर, और मेरा मिशन है दुश्मन की कैद से राम भैया को आजाद करवाना, आपके सुहाग को वापस लाना। आपकी कोख में पल रहा बच्चा अपने पिता की गोद में ही आंख खोलेगा। भाभी, ये मेरा वचन है आपसे। अपना ख्याल रखना, मैं कहां गया हूं आप किसी को नहीं बताना, आपको मेरी कसम। हे भगवान, ये तुमने क्या किया सनी? तुमने क्या किया? सलमान भाई, क्या सोच रहे हो? कभी कभी खाना भी खाया करो। साईं, आजकल क्रिकेट की खबरों में मजा ही नहीं आ रहा है। वो इसलिए साईं कि हिंदुस्तान की टीम नहीं खेल रही है। अरे मजा तो तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टक्कर होती है। सलमान साईं, जरा सोचो क्या आलम होगा जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गेंद फेंकेगा। इधर शोएब अख्तर ने अपने हाथ में गेंद उछाली और उधर सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला टिकाया। स्टेडियम में सन्नाटा, दिलों की धड़कनें तेज। शोएब अख्तर ने 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाई। इधर सचिन तेंदुलकर ने गेंद पर नजरें जमाई। शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी और सचिन ने घुमाया बल्ला और ये छक्का। सलमान साईं, कोई असर नहीं? तुमने कुछ नहीं सुना मैंने क्या कहा? साईं, कितना अच्छा हो अगर शोएब और सचिन एक ही टीम में खेलें, तो दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। सुभान अल्लाह, दिल की बात कह दी साईं। लो, आ गए मुफ्तखोर साईं। ओए बना जरा दो चार ग्लास लस्सी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर साईं। ओ वालेकुम अस्सलाम। क्यों साईं मियां खुश मिजाज, क्या बातें हो रही थी? हुजूर साईं, बड़े पते की बात कही इस लड़के ने आज। अच्छा, जरा हम भी तो सुने क्या कहा। ऐसा है साईं कि आजकल क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा है ना, है? तो ये मुझसे बोला कि साईं, अगर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम से खेलें, तो दुनिया की कोई टीम हमें हरा नहीं सकती। चुप है, हमारे दुश्मन हिंदुस्तान के साथ खेलने की बात करता है, कहीं तू वही का तो नहीं? नहीं नहीं जनाब, याद है आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं दुश्मन को मारूंगा, याद है आपको? अरे हाँ यार, याद आया, एक दुश्मन है, उसे आर्मी हॉस्पिटल ले जा रहा हूं रूटीन चेकिंग के लिए, अगर तू चाहे तो उसे मारकर अपनी तमन्ना पूरी कर ले। ओए जमाल खान, जरा निकाल बाहर उस मेजर को। क्या देख रहा बे, जा मार उसे। ओए जा ना। ओ
ओए मार, जरा हम भी तमाशा देखें कैसे मारता है तू दुश्मन को। ओए, तू क्या मारेगा दुश्मन को, तू तो खुद ही ढेर हो गया। बड़ा बोल रहा था दुश्मन को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है? चल जा अपना काम कर, है? चल ओए बिठाए नो अंदर। चल सेट बुला रहे हैं। अरे सलमान। हाँ? चलो मैं तुम्हें पीर बाबा के मजार पर ले चलती हूँ। कहते हैं वहाँ जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अच्छा। हाँ पीर बाबा, मेरी भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करवा दो, मेरे भाई को आजाद करवा दो। पीर बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सलमान का प्यार दिया। क्या मांगा सलमान? तुम बताओ तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। तुम बताओ तुमने क्या मांगा? बस खुशियां ही खुशियां। ओहो इश्क, इश्क सौरभ है।